Hello guys, this is Sejal here. Today I have made this video because I would like to share something with you all, that how positive attitude and thoughts changes your life. If you want to change your life, you must need to have a positive thoughts and attitude in your life. So in everyone's life, this question always may arise. The question is, क्या लाइफ को अकॉर्डिंग टू अस, क्या लाइफ हमारे अनुसार से चल सकती है? सो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाई नॉट. ऑब्वियसली एंड ऑफकोर्स लाइफ हमारे तरीके से जी जा सकती है, हमारे अकॉर्डिंगली वो चल सकती है, बिकॉज लाइफ हमारी है. तो उसे कैसे चलाना है, कैसे उस पर वर्क करना है, वो भी हमारा ही डिसीजन है. बट दिस हैज़ टू बी इन अ पॉजिटिव वे. क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, वॉट इज राइट, वॉट इज रॉन्ग, इन विच पाथ वी कैन गोज फॉर आर एम, लाइक वी हैव टू डिसाइड दिस ऑल थिंग्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल, सो यू नीड टू बी हैव अ थॉट्स दैट मेक चेंजेस इन योर लाइफ. सो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग मेक सच अ डिफरेंस इन दैट एंड कंपेयर इट. Then your attitude towards your goal, your target, and whatever you want to achieve in your life, you may worth it one day. That is final. And whenever you come across any situation, try to face it with your positive thoughts. आपके thoughts and attitude ही decide कर देंगे और करते हैं कि आप उसको manage कैसे करते हो, कैसे उसको handle करते हो, how you tackle that situation. जो भी सबके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. जब तक हमें प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता, तब तक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं होता. सो निराश होने से अच्छा या रोने से अच्छा, लेट्स एन्जॉय इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव वे. मैथ्स में सम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, बट जब हम उसे सॉल्व करने लगते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है. बट इफ़ कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, तब हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं मैथ सॉल्व करने के. सो सेम सिचुएशन हैपेंस इन आर लाइफ. अगर हमें एक सिचुएशन से नहीं हो रहा है, हम दूसरा फाइनल करेंगे, तीसरा देखेंगे. ऐसे करते करते हमारे पास बहुत से ऐसे सोल्यूशंस होते हैं, बट वो हमें दिखते नहीं हैं. एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलर कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू गो अहेड इन योर लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड इन योर लाइफ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. यू मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड. आस्क योर सेल्फ कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है, आगे मुझे इससे कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, या जो भी, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपकी लाइफ हो, किसी के भी बारे में आप जो भी करते हो, आस्क टू योरसेल्फ फर्स्ट दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट राइट अ वे, या क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए सही है, मेरे लाइफ के लिए सही है, मेरे पेरेंट्स के लिए सही है. कुछ भी आप सोचो, उसके पहले आपको डिसाइड करने से पहले आपको सोचना होगा. योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो डोंट वेस्ट इट. ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. जब तक हम दूसरों की बात समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा. एंड अगर हम अपने लाइफ के, अपने डिसीजंस के मिस्टेक अगर हमें कोई बताता है, सो दैट्स वेरी पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर, बिकॉज जो हम अपने लाइफ में करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो खुशी आगे चल तक बयां रहने वाली है या नहीं, वो आगे चलने तक बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी. सो जो भी डिसीजन लेने से पहले तुम 100 बार सोचो. थिंक बिफोर यू से समथिंग और यू डिसाइड समथिंग. जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. सो ट्राई टू सॉल्व योर सिचुएशन, योर प्रॉब्लम्स इन योर वे, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स. नो वन एल्स कैन चेंज इट, बट
यू मे, यू कैन, बिकॉज सब जो मोटिवेशन होते हैं ना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय के लिए होगी, बट जो एक इंस्पायर्ड वाली फीलिंग होती है वो हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ, हमेशा, बिकॉज तुम्हें कोई भी मोटिवेट करके चला जाएगा, 10 मिनट, 12 मिनट, एक दिन, 2 दिन तक वो तुम्हारे माइंड में रहेगी, बट जो एक इंस्पिरेशन वाली इंस्पायर्ड फीलिंग रहती है वो तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे लाइफ टाइम रहेगी। ये लॉकडाउन में सब नेगेटिव सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम्स होंगे कि भी नहीं होंगे, या वाई ऑलवेज बोर्ड एग्जाम। हम अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं कि क्या एट प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, बट ये नेगेटिव सोचना बंद कर दो एंड कम टू योर पॉइंट, योर स्टडीज। नाउ तुम्हारी जो एज है वो स्टडी करने की है, एंड मैच्योरिटी डज नॉट मेजर्ड बाय इट्स एज, इट्स बिल्ट बाय एन एक्सपीरियंस गाइज। इसका ये मतलब हुआ कि जो तुम मैच्योर, जो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है, वो तुम्हारे एज, इट डज नॉट मैटर एज, तुम्हारी कितने तुम साल के हो, कितना एज है तुम्हारा, ये कुछ तुम्हारा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी कितनी है, तुम कितने एक्सपीरियंस, इट मीन्स तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुमने लाइफ को कैसे हैंडल किया है, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, कितना सॉल्व आउट किया है, वो सिचुएशन, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। And guys, when you stop giving excuses, you will be realized that your life is goes on changing. जब तुम किसी को excuses देना बंद कर दोगे, किसी को क्यों, अपने आप को, because life is yours. तुम जिस दिन अपने आप को excuses देना बंद कर दोगे कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, why not me? एंड ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे साथ ही क्यों हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा वाई ऑलवेज मी, बट ऐसा कभी मत सोचना। लाइफ विल नेवर गिव यू अ सेकेंड चांस, यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड गिव इट अ सेकेंड चांस। तुमने वो टाइटल सुना होगा मूवी का, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो वैसे ही वो एक एम बना लो, एक सेट कर लो माइंड में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिकॉज जो भी ये लाइफ में होता है ना, वो कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए एंड कुछ हासिल करने के लिए ही होता है। सबको लगता होगा लॉकडाउन है, व्हाट इज़ लॉकडाउन, नथिंग इज़ लॉकडाउन। ये लॉकडाउन तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा कोशिश करने की, एंड जो तुम्हें बोलता है कि नहीं 9th में कम परसेंट आए थे, 10th में कहाँ से ज़्यादा परसेंट आएंगे, वो भी लॉकडाउन में, 11th में कम आए थे, 12th में कहाँ से ज़्यादा आएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट, शो देम दैट हाउ मच कैपेबल यू आर इन वॉट एवर सिचुएशन। कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना, किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करते करते हमें लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा, एंड पता है इसी में मज़ा है। पता है गाइस, तुम्हारा जो नज़रिया है, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करो। आप लोग क्या सोचते हो, लाइफ इज़ ऑल ऑफ एन्जॉय, फुल ऑफ जॉय, ये तो है, बट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो आपके पेरेंट्स वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, बट एक दिन वो तुमको हासिल करना पड़ेगा। एंड हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, हमें वो गलत लगता है, कभी कभी वो डांटते हैं तो हमें बहुत परेशानियां होती है, बट वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। दे वॉन्ट आर फ्यूचर लाइक ब्राइट लाइक स्टार, कि वो अंधेरे में भी चमकता रहे। यू डोंट नो, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, सबकी डिमांड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमारे पास एक अच्छी लाइफ होना ज़रूरी है, एंड वो अच्छी लाइफ के लिए हमारे थॉट्स डिसाइड करेंगे कि हमें सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है। अगर हमें अपनी लाइफ ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ जीनी है, सो वी नीड टू चेंज आर थॉट्स, चेंज आर डिसीजंस बिफोर गोइंग अहेड इन आर लाइफ। व्हेन समवन इन डिफिकल्टीज एंड गोइंग थ्रू सम सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, नो वन विल हेल्प, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा।